अब ये आप अपने आप रीड करेंगे, ये आप अपने आप रीड करेंगे, इसमें मैं कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहा। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, प्लीज यार रीड कर लेना जरूर। हाँ सर जरूर, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये बिजनेस स्टडीज में है कि नहीं है, प्लीज यार। हाँ सर, हमने वहां भी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ ले, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना, ठीक है ना, उतना मैं आपको कर दूंगा, लेकिन मैं ये इस पे अभी डिस्कशन नहीं कर रहा। ओके, तो आपका काम है रीड द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्लीज। थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस नहीं आ सकते, बट ये थ्योरी है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप एक्ट में था ना कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, किसने बोला? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट ने बोला, बट ये हम पार्टनरशिप में ऑलरेडी कर चुके हैं। कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में इन केस ऑफ कंपनीज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 मेंबर्स, 7 विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, कह रहा मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 7 होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव, तो ये था पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, 1% कंपनी हैज ओनली 1% एज द मेंबर, मेंबर इज द शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी। प्लीज रीड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज जस्ट रीड, जस्ट रीड। 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्लीज रीड। हाँ ओके, जस्ट रीड। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अभी ऊपर आया था ना कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, ये स्पेसिफिक केसेस होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल कंपनी है, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, कह रहे मैक्सिमम आपकी उतनी है। अगर डिसाइडेड है कि भैया एक गारंटी है कि हमारा गारंटीड है, 50 लाख की गारंटी ले रखी है, कल को कुछ दिक्कत हो गई तो 50 लाख हम देंगे, तो लिमिटेड अमाउंट गारंटीड है ना। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अगर इफ इट इज अ कंपनी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड इन, तो फिर डिसाइडेड था पहले से कि भाई साहब हम काम कर रहे हैं और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जो भी नुकसान होगा, चाहे हमारी शेयर कैपिटल 50 लाख है, नुकसान हुआ 5 करोड़ का, हम भरेंगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा ना जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका। अब उस चक्कर में आपने ले लिया रिस्क, आपकी मर्जी है, आप ले लिया, तो फिर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ओके, फिर जो पहले मीनिंग पढ़ेंगे कि 1% कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द थ्री। हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 1% कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तुक्का ही मारना है, वाई फॉल्स? क्या 1% कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ रहे हम? नहीं पढ़ रहे हम। क्या प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट तो हम प्राइवेट और पब्लिक के कर रहे हैं, यस और नो? रॉन्ग, हम सिर्फ पब्लिक लिमिटेड के कर रहे हैं, हम किसके कर रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो सर फिर क्या हो रहा है, ये सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हो रहा है कि ऐसे भी कुछ होते हैं, 1% भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, पब्लिक लिमिटेड भी होती है। तो पहले हम पास हो जाए, ले लेंगे नॉलेज। आपको पता है घर पे क्या हाल होता है हमारा, अलग टेंशन है हमारी लाइफ में, नॉलेज के लिए पूरी जिंदगी बची है, प्लीज, ठीक है ना, इस चैप्टर का पार्ट है, साथ साथ थोड़ा सुबह उठ के पढ़ लेना। ओके सर।